जिसने जो किया है अगर उसने वो गलत किया है तो उसे सजा मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम इट आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज टू माई एवरी नेपाली ब्रदर एंड सिस्टर, आई स्टिल वॉन्ट टू से मो तिमिलाय माया गोर्सु, थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत सपोर्ट मुझे मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा और मैं ऐसे ही आपको सपोर्ट करता रहूंगा। लेकिन गाइज आज के बाद या तो नेपाल का सेपरेट टूर्नामेंट होगा सीआरएक्स में या तो इंडिया का सेपरेट टूर्नामेंट होगा, ट्राई नेशन में नहीं करा सकता क्योंकि एकता नहीं है आप लोगों में, देख लिया मैंने। आई वॉन्ट डू दैट वंस अगेन, ट्राई नेशन तो नहीं होगा आज के। चलिए तो मैच में फोकस करते हैं गाइस। एक तरफ स्टारों का स्टार राइज स्टार आए हैं पीक में, उनके साथ एल्केमिस्ट की टीम गई है मील के ऊपर, टेक्निकल के टेक्निकल के गए हैं ग्रेवयार्ड में, लॉर्ड ऑफ गन्स। ओ यहां पे टीम रैबिट के सामने काबो, टीम रैबिट के सामने बांग्लादेशी यूट्यूबर काबो, BD71 से काबो आगे बढ़ते हुए काबो, ये भी गो फॉर काबो, इट्स काबो BD71 रॉक मीर। देखते हैं गाइस क्या होने वाला है यहां पे, इट्स काबो रॉकेस मीर एंड मेहंदी आगे बढ़ते हुए, इट्स काबो यहां पे BD71 ने अपना बंदा गवाया, मेहंदी हुए खत्म रॉक हुए डाउन, मेहंदी हुए खत्म रॉक हुए डाउन, और यहां पे सर्वाइवर्स है, क्या बात है, हैशटैग सर्वाइवर्स हो जाएगा इस, हैशटैग सर्वाइवर्स हो जाए क्योंकि आ चुके हैं यहां पे एक्स मानिया, क्या बात है, एक्स मानिया आ चुके हैं और कापो को भी यहां पे खत्म कर देगा। मीर साहब अकेले रह गए यहां पे, मीर भाई अकेले रह गए हैं यहां पे, सॉरी रॉकी भाई फ्रॉम दोस्त स्पैमर, वी लव यू अ लॉट, आई से सॉरी फ्रॉम दोस्त, आप प्लीज गुस्सा मत हो, दोस्त स्पैमर्स ओनली केम टू स्पैम, यू हैव नो आइडिया अबाउट योर कंट्री। नहीं मुझे वही खराब लगा भाई, नहीं अगर मेरी कोई गलती हुई होती आप भाई नाजु बंदा हमेशा गाली दो मेरे को, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट एक ऐसा मैटर जो मुझे पता ही नहीं है, जिसके बारे में मेरा कोई लेना देना नहीं है, दो इंडिविजुअल कस्टम चैट में क्या बात कर रहे हैं, आपको लगता है ये इतने बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पे खेलने आए हैं, ये सब छोड़ छाड़ के मैं वहां पे कस्टम चैट में देखूंगा, आपको लगता है? आप बताइए ना, जब एसके सभी राइस्टार जैसे प्लेयर्स एक ही मैच में हो तो आप मैच को एंजॉय करोगे या इंडिया नेपाल का झगड़ा देखना पसंद करोगे, मैं आपसे पूछता हूं। मैं तो मेरे साइड से बोल दिया सॉरी, मुझे पता है सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं होता, और मैं अपने भाइयों से सॉरी बोल रहा हूं, अगर मेरे सॉरी बोलने से मेरे नेपाली भाइयों का गुस्सा शांत होता तो मैं एक बार नहीं 10 बार बोलूंगा सॉरी, बट मैं सिर्फ इतना गुजारिश करना चाहूंगा प्लीज कभी भी कंट्रीज के बारे में हेट ना फैलाए, और मुझे तो मैटर पता नहीं है, और उसके बावजूद भी मैं ये कहना चाहूंगा, मुझे मैटर पता नहीं फिर भी मैं बोलना चाहूंगा कि किलर अगर आपने ऐसा कुछ बोला है तो प्लीज अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई है तो प्लीज कम एंड अपोलोजाइज, बोल दो कि मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है, शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो हो तो उसका भी लाइव स्ट्रीम में आके आप अपोलोजी कर सकते हैं, और बस मैं यही कहना चाहूंगा, इससे ज्यादा मुझे और स्ट्रीम करता हूं कंट्रोवर्सी नहीं, तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए अगर मेरे साइड से कोई गलती हुई तो, आई वांट टू अपोलोजाइज, थैंक यू। आगे बढ़ते हुए स्टारों के स्टार राइज स्टार, उनके साथ एसके सबीर बॉस, तो गाइस एसके सबीर बॉस रिमनाम में स्टारों का स्टार राइज स्टार आगे बढ़ता हुआ, गाइस किलर ने नेपाल को नहीं टूबी को गाली दिया, नहीं किसी को भी दिया हो, किसी को भी दिया हो, मैं बस आपसे इतना बोलूंगा कि दो इंडिविजुअल की लड़ाई है ना, तो लाइक एग्जैक्टली जिसका पास ब्रेन है ना वो देखो चैट में आपको बोल रहा है कि रॉकी भाई सॉरी कुछ मतलब कि आप गुस्सा मत करो या फिर हम लोग जो स्पैमर्स ने किया, मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जो स्पैमर्स है उनका तरफ से जिसके पास एटलीस्ट ब्रेन है वो लोग कॉमेंट कर रहे हैं, पर जो स्पैमर्स है ना वो अब भी स्पैम कर रहे हैं और वो स्पैम करते ही रहेंगे, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते भाई, सिर्फ एक ही बात है, इंडिया बांग्लादेश नेपाल तीनों कंट्री एक प्लेटफॉर्म में आके इतना अच्छा कर रहा है, इसको और बढ़ाओ ना कि इसको कोई इशू बनाओ प्लीज यार, सब नेपाली भाई के पास सब लाइक जो भी टूबी भाई का स्ट्रीम देखते हो वो तो एटलीस्ट मेरे को पहचानते हो यार, सबके पास एक ही रिक्वेस्ट है कि ये प्लेटफॉर्म को और बढ़ाओ ना कि इसको कोई इशू बनाओ, दिस इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म फॉर प्लेयर्स, फॉर दोस प्लेयर्स जिनको यूट्यूबर्स के अगेंस्ट में खेलने का मौका मिलता है, उन्हें भी शोहरत मिलती है, यूट्यूबर्स की भी प्रैक्टिस होती है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा इसमें इंडिया नेपाल कहां से आ गया भाई, और
मुझे तो सबसे ज्यादा मतलब मेरे को तो पहली बार तो सुन के हंसी आई थी मुझे कि कस्टम चैट कब से जंग का मैदान बन गया। कस्टम चैट में, हाँ कस्टम चैट में कोई किसी को क्या बोल रहा है, मेरा क्या लेना देना भाई, मैं अरे तो पता टास्क है, पे रुक कर मैं मैं बोल मेरा रहा क्या था लेना यश देना भाई इन सब की कि चीजों से। यश भाई का बीबी भाग गया कस्टम चैट पे, ऐसा होता रहता है हाँ यार, ये चैट लेके कौन इशू बनाता तो है भाई। उसमें अब कोई ऐसा जाके बोले कापो ने गाली दी हमारे इंडियन यश भाई को, ऐसे लगता है कोई कापो ने इंडियन को गाली दे दी भाई, कमाल है भाई। भाई वो मजे के लिए होता है कस्टम चैट। कस्टम चैट को कब से सीरियस लेने लग गए हो सर आप? और यार सबसे मैं नहीं नहीं देख नहीं रहा था ये स्ट्रीम और देख रहा पता था। है काबो भाई, आप शायद सुन के हंसोगे, ठीक है, किलर ने वो जो एक अभद्र टिप्पणी की थी, ही वाज एक्चुअली मेंशनिंग दैट टू प्रथम, आप तो थे वहां पे, ही वाज मैं एक्चुअली वहां टॉकिंग टू पे था, प्रथम, मैं देख रहा था सब ही कुछ। वाज एक्चुअली टॉक टू दिस पर्सन प्रथम, इनके साथ बात हो रही थी क्योंकि दोनों एक ही गिल्ड में हैं, तो दोनों आपस में चिटचैट कर रहे थे मजाक में। उसमें टूबी भाई को हो गई मिसअंडरस्टैंडिंग, बट इसमें इंडिया नेपाल का मेरे तो समझ के बाहर है नहीं भाई मतलब दो बंदे के बीच हो या ना भाई हो वो तो कंट्री के बीच ना लाओ प्लीज भाई, क्योंकि हम जो यहाँ पे, मैं एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ, यहाँ पे देखो सुनीता मैम हमको कितना इंडियन पसंद करते तो हो, टोंडे भाई को कितना इंडियन पसंद करते हो, हाँ ठीक टूबी है भाई, गया भाई सुनीता टूबी मैम, भाई टोंडे को, भाई गया, टूबी हम भाई को कितना देखो पसंद करते हो टूबी सुनीता भाई एक का लाख। जितना इंडियन फैन है, टूबी भाई का जितना इंडियन फैन है इतना लाइक बहुत कम का है यार, सच में बहुत कम का है। अरे और तो और ज्ञान भाई, हमारा टोटल गेमिंग अज्जू भाई, इन लोगों का जो TSG का नेपाली फैन है, तो देखो यहाँ पे ना इंडिया का फैन नेपाली का है, नेपाली का फैन इंडिया का फैन है, तो सब कुछ ठीक है, सिर्फ जो लोग स्कैमर्स है वो आके जंग फैलाने की कोशिश कर रहा है। अरे मैं क्या बता रहा हूँ सुनो काजी भाई, तो सुनीता सुनीता मैम का फैन सिर्फ मतलब इंडिया की जगह नाइस बात है, शॉट सुनीता टेक्निकल सुनीता मैम के की फैन हर जगह है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये सिर्फ एक एग्जांपल था यार। सुनीता मैम का फैन बनने के लिए नेपालियों का हाँ जुनून यहाँ मतलब पे भूया कर दिया गया है बाय टेक्निकल के।